क्यों बोला? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंसरों, जब देखा तक मेरे को आदिवासी होने के नाते दबाए जा रहे हैं इनके द्वारा। 25 लाख रुपए मांग रहे हैं या अलग अलग प्रकरण में हम कॉपरेट कर रहे हैं, उसके कोई समझ ही नहीं रहा। जब तक तब नगर पालिका को दबाया जा रहा है, ये SDM हमको पिछले 6 महीने से परेशान कर रहे हैं और 25 लाख रुपए मांग रहे हैं अलग अलग प्रकरण में। 2 दिन है इनके रिटायरमेंट होने के। और 2-3 प्रकरण है, किसके किसके प्रकरण है उनसे क्या, इसका पैसे लाके मेरे खुद हो। एक श्रीमाल का प्रकरण है, एक हमारे खुद अध्यक्ष महोदय का प्रकरण चल रहा है उनके कोर्ट में। सबसे कह रहे हो अभी आके कि सबसे पैसा लाके दो। 25 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं, सभी से 3-4 प्रकरण में लेके। जब देखा तो उनका रिटायरमेंट है 2 दिन के बाद, उनका सम्मान करते हैं, उसके बाद भी हमको बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तो कोई जांच करने का अधिकार नहीं, कुछ नहीं, अनावश्यक रूप से आते होना चाहिए। मुझे जाते सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है अनावश्यक रूप से। उनके मात्र 2 दिन बचे रिटायरमेंट के लिए, पूरा वसूली में लगे हुए हैं। 3-4 प्रकरण जितने भी लगे, सबसे कह रहे हैं तुम बीच में पड़ो, सबसे पैसा ला के मुझे दो। अभी पिछले काफी दिनों से नगर पालिका सहारनपुर में अनियमितता है हो रही है, ऐसा मुझे अवगत कराया गया था और शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में मैंने कई बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देकर डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया था, पर उन्होंने उसकी अवहेलना करते हुए डॉक्यूमेंट मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की। अभी पिछले दिन रानी रूपमती जो ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से, उस पर भी मैंने उनको नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपके विरुद्ध 11 अधिनियम हत्या का प्रकरण दर्ज कराया जाए, जो आपने ठेकेदार से मिलकर उसकी फेंसिंग नहीं कराई जिसमें बच्चा डूबा, जबकि आपने वहाँ से अवैध उत्खनन करने में सहायता करी, क्योंकि कलेक्टर द्वारा साहब द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद अभी फिर 197 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास की जाँच में मैंने इनसे दस्तावेज मांगे, जिसको उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया। इसमें अनेक अपात्र लोगों को राशि डाल दी गई है और काफ़ी गंभीर अनियमितताएँ की गई है, पर जब इनके द्वारा कल तक मुझे ये नहीं दिया गया तो आज मैंने इनके कार्यालय में जाकर इनसे दस्तावेज की मांग करी, तो इन्होंने मुझसे कहा चैम्बर में कि आप जांच कैसे करते हो मैं देखता हूँ, मैं आप पे अभी आप ब्राह्मण हो, आप पे जाति सूचक आदिवासी कहने का आरोप लगा दूंगा और बाहर जाके 25 लाख रुपये मांगने का आरोप लगा दूंगा। अभी सारे कर्मचारी मेरे अधीनस्थ हैं, ये सब अभी आ जाएंगे और आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये आपसे देखते रहने। ऐसा ही उन्होंने किया, बाहर जाके इस प्रकार का हंगामा किया और सब कर्मचारी को मेरे विरुद्ध भड़काया और बोले चलो सब कार्यालय बंद करो, जाके थाने में कंप्लेंट करते हैं।